फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। मार्केट का सबसे वोलेटाइल शेयर वोडाफोन आइडिया पिछले दो दिनों से खराब न्यूज के चलते 30-35% के आसपास टूट चुका है और इंट्राडे में एक टाइम स्टॉक 6 रुपए से भी नीचे आ गया था, वहीं 6 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। फ्रेंड्स, अगर ये आपके पास ये शेयर है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जो पिछले एक साल से बहुत न्यूज में रहा है और काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक बड़ी पोजिशन इस शेयर में बनाई है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर समझ लीजिए कि आपको इस शेयर में आगे क्या करना है। ये स्टॉक पिछले दो दिनों में 26% के आसपास जो है गिर चुका है। सबसे पहले न्यूज ये आई थी जो कुमार मंगलम बिरला हैं वोडाफोन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने ये बात बोली कि वो अपनी स्टेक गवर्नमेंट को सरेंडर करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की जो है संकेत दे रहा था कि प्रमोटर जो है कंपनी को अब चला नहीं सकते हैं। ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लो है तब से स्टार्ट हुआ जब AGR की रिकम्प्यूटेशन को लेकर जो PLI सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद आज जो कंपनी की UK वेंचर है वोडाफोन, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि वो जो है इस कंपनी में कोई भी एडिशनल फंडिंग नहीं करना चाहते। जब प्रमोटर के ये हाल हैं तो आप समझ लीजिए कि ये फंड कैसे रेज कर पाएंगे। वैसे भी पिछले एक साल में बड़े र्यूमर्स, बड़ी न्यूज़ आई है कि ये इन्वेस्टर से वो फंड रेज करने वाले हैं, इस तरीके से फंड रेज करने वाले हैं, पर कोई सक्सेस हाथ नहीं लगी है। जब प्रमोटर को ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई और क्या इनकी कंपनी में फंड डालेगा। जिस न्यूज फ्लो के चलते शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज आई कि कुमार मंगलम बिरला ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट आपको कल देखने को शेयर पे मिलेगा। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के पास फिलहाल जो है कैश फ्लो नहीं है और जितना कैश इनके बुक्स पर है उससे एक तो क्वार्टर मुश्किल से अपने जो स्ट्रेटेजी ड्यू हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं उसको और अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं, और यहाँ फंड रेजिंग करना ऑलमोस्ट इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। ये शेयर फिर से अपने लाइफ टाइम लो जो 2-3 रुपये का था उसको टच करने का दमखम रखता है इन खराब न्यूज़ के बीच में। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर फंडामेंटल्स स्टॉक के पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और यहाँ पर कंपनी का अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। एक अच्छा इन्वेस्टर वही है उस कंपनी में पैसा लगाए जहाँ रिवाइवल की उम्मीद हो। लास्ट ईयर जब हमने इसका एनालाइज किया था उस टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था, चीज़ें पॉजिटिव थी, बड़े इन्वेस्टर से बात चल रही थी, पर पिछले एक साल में जो कुछ इस शेयर में हुआ है और जिस तरह से फंड रेजिंग नहीं हो पाई है, वोडाफोन आइडिया के लिए अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर ये फंड रेज नहीं कर पाते, जिसके पूरे चांसेस हैं, कंपनी का लिक्विडेशन में जाने के अलावा कोई चांसेस नहीं बचा है। कंपनी की बुक्स पे 1,00,000 करोड़ के आसपास की डेट है, बहुत बड़े स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, तो अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, NCLT में जाती है, तो आप समझ लीजिए इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इवन जो है वोडाफोन आइडिया में जिन बैंक्स का बड़ा एक्सपोजर है, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक का एक बड़ा नाम आता है, उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम में आप उन शेयर से भी दूर रहिए, उन बैंक से भी के शेयर से भी दूर रहिए जिनका एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया में है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में गई, NCLT में गई, तो एक बड़ा हेयर कट लेंडर को लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी डेट के साथ में, इतनी बड़ी इक्विटी के साथ में कोई ओपन मार्केट से इस कंपनी को खरीदने वाला नहीं है। इसका अगर सौदा होना भी होगा वो लिक्विडेशन में ही होगा, वहाँ इक्विटी इन्वेस्टर को तो कुछ मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि वोडाफोन का शेयर अगर आपके पास है तो इट्स द टाइम टू एग्जिट। क्या आपको पूरी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए? फ्रेंड, जो लोग हमेशा एक स्कोप हमेशा होता है किसी भी कंपनी को लेकर, और वोडाफोन आइडिया तो एक रनिंग कंपनी है 27-28 करोड़ यूजर्स के साथ हमें, तो अगर आप 1% रिवाइवल में बिलीव कर रहे हैं, मेरी सलाह यही है कि वो बहुत छोटी कैपिटल जो आपने यही सोच के डाली है कि जीरो हो गई, जीरो ही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक रिस्क ले रहे हैं, गैम्बलिंग ले रहे हैं, बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, तो आप एक वो छोटी सी कैपिटल डाल के छोड़ सकते हैं। वैसे करंट के सिचुएशन में इसका रिवाइवल मुझे बहुत मुश्किल लगता है और इस कंपनी का फ्यूचर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कोई बड़ा प्लेयर इसको टेक ओवर करता है तो वहाँ भी इक्विटी इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जिस तरह की बैलेंस शीट की क्वालिटी है, तो जो बिल्कुल मिरेकल में बिलीव करते हैं कि बहुत हाई इन्वेस्टर हैं जिनको पैने स्टॉक और बैंकरप्ट कंपनी खरीदने का शौक है,
और वो इन्वेस्टमेंट ही ऐसा करते हैं कि या तो जीरो हो जाएगा रिवाइव हो जाएगा, तो वो कैपिटल जो वो जीरो ही मान के चल रहे हैं कि वो चली गई तो एक बार डाल के छोड़ दें। अदरवाइज यहाँ पर अगर बड़ा एक्सपोजर आपका है तो जो बची खुची कैपिटल है उसको निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करिए। मार्केट में काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं। फिलहाल वोडाफोन आइडिया से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कुमार मंगलम बिरला जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वोडाफोन आइडिया के आइडिया डिवीजन के, वो भी अब जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कल देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको और लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। पिछले जो इसके लोज हैं 2-2.5 रुपये के, वहाँ तक जाने का स्टॉक दमखम रखता है और इवेंचुअली कैपिटल इरोड होके जीरो भी वोडाफोन आइडिया में हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको हमेशा जो है फंडामेंटल्स के हिसाब से और सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना होता है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया में कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर अगले 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट तो खराब आएंगे ही आएंगे और डिफॉल्ट की न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी कैश क्रंच से जूझ रही है और सेक्टर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो रही है, जिसमें ये कहीं फिट नहीं बैठते हैं और उनको कम्पीट करने के लिए इनके पास कैश भी नहीं है। और मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि कंपनी अगर बैंकक्रप्ट भी हो गई, NCLT में बड़ा प्लेयर आ जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि कोई उसको टेक ओवर अगर करता भी है तो जितनी बड़ी डेट इसकी बुक्स पर है वहाँ इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलने वाला है। इवेंचुअली लेंडर को भी एक बड़ा हेयर कट लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर कट एडवाइस है, आप अपना एक्सपोजर नील करिए या फिर उतना ही छोटी से छोटी कैपिटल जिसको आप रिस्क पे डाल रहे हैं कि जीरो भी आ जाए, आप अगर बहुत हाई इन्वेस्टर हैं तो डाल के छोड़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ क्लियर सेल एंड एग्जिट की राय वोडाफोन आइडिया में फिलहाल बन रही है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आएगी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।